ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम वंस अगेन। तो फिर से एक नए वीडियो में गाइज आपका स्वागत है। और भाई साहब, ये फ्लिपकार्ट क्या गेम खेल रहा है ये मुझे भी पता नहीं गाइज। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि दिवाली सेल का उन्होंने जिक्र किया था साइट पे, लेकिन अभी देख सकते हो गाइज यहाँ पे, तो ये देख सकते हो दशहरा सेल कमिंग सून, फिफ्थ अक्टूबर टू 8th अक्टूबर। सो दशहरे का भी सेल कर रहे हैं, फिर दिवाली का भी सेल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सो गाइज यस, सो यही न्यूज़ आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। और वैसे ही ऑर्डर चेक कर रहा था और फटाक से मुझे पता चल गया फिर से, तो मैं समझा कि फटाक से आपको एक अपडेट दे दूँ इसके बारे में। तो ये रहा बिग दशहरा सेल, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको टिप्स दूंगा और आगे कौन सी सेल आने वाली आगे आगे बताऊंगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए वो सजेस्ट करूंगा। ये मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा। तो चलो बात करते हैं बिग दशहरा सेल। सो अभी जस्ट बीबीडी बिग बिलियन डेज ख़त्म हो गया, उसके बाद अभी ये फिर से लोग 5 से 8 बिग दशहरा सेल चालू कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि डेट अभी दिवाली सेल के कुछ तरफ कुछ दिख रहे, फिर फ्लिपकार्ट क्या करता है डेट चेंज कर देता है, कभी 27 से पोस्टर रिलीज़ कर रहा है, पता नहीं वो तो मुझे पता नहीं ये फ्लिपकार्ट क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन ये है कि गाइज बिग दशहरा सेल से आपको बिग दिवाली सेल जो रहेगी उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती मिलेगी। यस गाइज, बिग दिवाली सेल में चीज़ें सस्ती मिलेगी। सो आप, मेरा तो मानना है कि आप वेट करो बिग दिवाली सेल, जो भी आईफोन 13 लेने वाले हो। यस समझ गया मैं, आपका आईफोन 13 अगर छूट गया है तो आपको मिल सकता है। लेकिन गाइज बिग बिलियन डे के प्राइजेस इस दोनों में भी सेल में नहीं रहेंगे। यस गाइज, वो सेल इस सेल को मैच नहीं कर पाएगा, लगभग मैच करेगा, मतलब ऑलमोस्ट आपको 53-52 के आसपास मिल जाएगा आईफोन 13, लेकिन उतना डिस्काउंट जितना बिग बिलियन डेज में रहता है उतना नहीं रहता है बिग दशहरा बिग दिवाली सेल में। यहाँ पे भी टॉप डील्स ऑन द वे है, तो इसमें रियलमी पोको है और डिफरेंट वॉच है, कैमरास उन्होंने पोस्ट किए, बैक कवर्स पोस्ट है, पटाखे बिटाखे फूट रहे, दिवाली मच रही है भाई, फ्लिपकार्ट की तो वाह वाह हो रही है यार। फ्लिपकार्ट मतलब एक से एक बॉम्ब फूट रहा है गाइस, देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये देख सो क्रेजी डील रश आवर अर्ली बर्ड प्राइजेस। हाँ गाइज, 24 आवर पहले फ्लिपकार्ट प्लस को इसी भी सेल में, मतलब 4 तारीख को 12 बजे आपको इसमें फ्लिपकार्ट प्लस वालों के लिए ये रहेगा पहला बेनिफिट। तो फिर से एक बार चांस है, सो मैं यही टिप्स देने वाला था आपको कि फिर से आपको एक बार चांस है। और यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक का, जिसके पास अभी HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक तो उनका घर का है, मतलब कोलैबोरेशन है, तो उस पर तो रहेगा डिस्काउंट, लेकिन HDFC कार्ड में हेविली 10% डिस्काउंट है, तो आप समझ सकते हो। तो आप आईफोन 13 या कोई मैकबुक ले रहे हो तो फिर से ये सेल मत छोड़ना भाई साहब, आँख बंद करके ले लेना बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें, ठीक है, इस सेल में। नहीं तो अगला जो दिवाली सेल है उसके लिए वेट करो, मैं तो चाहता हूँ दिवाली के लिए वेट करो, दिवाली में इससे ज़्यादा भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ट्रेंड लास्ट टाइम आया था वैसे मैं उससे एक अंदाज लगा के चल रहा हूँ। तो गाइज ये रहा पूरा सेल, यही न्यूज़ आपको देनी थी। और आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस का भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये HDFC का कार्ड है किसी का जुगाड़ करके अभी से ही रख लो, फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप ले लो, ये तीन चीज़ें कम से कम आपको करना है। और अमेज़ॉन पे तो कोई सेल का नामो निशान नहीं, ग्रेट इंडियन का ही पोस्टर आ रहा है अभी, ये देख सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे लगता है दिवाली सेल तो नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली ये करेगा अमेज़ॉन डायरेक्टली दिवाली, सॉरी यहाँ पे अमेज़ॉन ने दशहरा सेल तो कोई मुझे नहीं लग रहा वो लगाएगा, इनका यही चल रहा है फेस्टिवल सीज़न, तो दशहरा सेल बाद में आएगा अमेज़ॉन में, सॉरी दिवाली सेल बाद में आएगा अमेज़ॉन पे, डेट रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन लगभग दोनों के भी दिवाली सेल नज़दीक है। तो ये रही पूरी अपडेट रिलेटेड टू बिग दशहरा सेल विच इज़ ऑन 5th to 8th अक्टूबर। यहाँ पे ये पोस्टर कभी भी चेंज कर देते हैं, इसमें ये माहिर है फ्लिपकार्ट वाले, कभी भी पोस्टर चेंज करते हैं और कभी भी डेट कर सकते हैं। सो ये इनकी एस्टिमेटेड डेट है, सो इसकी अभी की डेट इन्होंने जो पोस्ट किए तो ये डेट है। आप फिर से एक बार पेज रिफ्रेश करके ये देखो, flipkart.com है ऊपर भी देख लो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डेट शो हो रहा है। नहीं तो आप बोलेंगे यार ये कहाँ से आया, तो ये फ्लिपकार्ट का ही साइट है, ऐसा कोई नहीं है। तो हाँ, तो गाइस चलो अभी यही न्यूज़ देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर फटाफट से आपको अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और भाई साहब नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं फटाक से अपडेट दे देता हूँ
टेलीग्राम ग्रुप के सबसे पहले अपडेट आते हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पे भी अपडेट देते हो। उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में, एडिट करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, वहाँ के यूट्यूब पे भी ज़्यादा फास्ट देता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एज यूजुअल जय हिंद वंदे मातरम।